नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्लब 11 में। तो वर्ल्ड कप मैच सेकंड सेमीफाइनल मैच कराया जाएगा ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में। तो बात करेंगे इस मैच के ड्रीम 11 टीम के साथ साथ बात करेंगे दोनों ही टीमों के पिछले प्लेइंग 11 और पिछले 3 मैचों से परफॉर्म करते आ रहे प्लेयरों के परफॉर्मेंस की। और जो फर्स्ट सेमीफाइनल था वो न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया के बीच में था, जो कि न्यूजीलैंड जीत गई है और वो फाइनल में पहुँच चुकी है। इंडिया हार गई है, बहुत ही बुरा हुआ, इंडिया हार गई है, बहुत दुख हुआ। तो चलिए बात करते हैं अब इस मैच के ड्रीम 11 की टीम के ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में जो मैच होने वाला। तो दोनों टीमों के पिछले प्लेयर और पिछले 3 मैचों से परफॉर्म करते हो यार, प्लेयरों का परफॉर्मेंस दिखाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और नोटिफिकेशन मिलते हैं वीडियो को देख करके ड्रीम 11 की टीम बना सके तो प्लीज़ फ्रेंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, आप लोगों को बताइए। नीचे जो रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है बस उसके ऊपर आपको टच करना होता है तो उसके ऊपर टच कीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो चलिए बात करते हैं दोनों टीमों के पिछले प्लेइंग 11 और पिछले 3 मैचों से परफॉर्म करते हुए प्लेयरों की परफॉर्मेंस की। सबसे पहले बात करेंगे इंग्लैंड का जो पिछला प्लेइंग 11 था, हम देख सकते हो जेसन रॉय, जॉनी ब्रेस्टो, जॉय रूट, योन मॉर्गन, जोस बटलर, बेन स्टोक, लियम पुलंकेट, क्रिस बॉक्स, मार्क बोर्ड, जोफ्रो आर्चर और आदिल रासी। तो ये था इनका पिछला प्लेइंग 11 और पिछले 3 मैचों से 3 बैट्समैन ने स्कोर किया नहीं, रन बनाए इंग्लैंड की ओर से। तो आप देख सकते हो बेन स्टोक ने 89, 79 और 11 यानी 89, 79 और पिछले मैच में 11 बनाए। जॉनी ब्रेस्टो ने 27, 111 और 106 यानी 27, 111 और पिछले मैच में 106 रन बनाए। क्रिस बॉक्स ने 26, 7 और 4 यानी 26, 7 और पिछले मैच में 4 रन बनाए। जॉस बटलर ने 25, 20 और 11 यानी 25, 20 और पिछले मैच में 11 बनाए। आदिल राशिद 25 नॉट बैड और 16 यानी 25, उसके बाद बैटिंग नहीं आई थी इनके और पिछले मैच में 16 बनाए। योन मॉर्गन ने 4, 142 यानी 4, 1 और पिछले मैच में 42 बनाए। जेसन रॉय नॉट प्लेड 66 और 60 यानी नहीं खेले थे, फिर 66 रन बनाए और पिछले मैच में 60 रन बनाए। जॉय रूट 8, 44 और 24 यानी 8, 44 और पिछले मैच में 24 बनाए। तो ये थे इंग्लैंड के बैट्समैन जो पिछले 3 मैचों से परफॉर्म करते हुए आ रहे। अब बात करते हैं बॉलरों की, जिन बॉलरों ने पिछले 3 मैचों से विकेट लेते हुए आ रहे। तो क्रिस बॉक्स 2, 2, 1 यानी 2, 2 और पिछले मैच में 1 विकेट लिए। जोफ्रो आर्चर 1, 0, 1 यानी 1 विकेट, फिर कोई विकेट नहीं, फिर 1 विकेट मिला पिछले मैच में। मार्क बोर्ड 1, 0, 3 यानी 1 विकेट, फिर कोई विकेट नहीं और पिछले मैच में 3 विकेट लिए। और इसके अलावा आप देख सकते हैं बेन स्टोक 1, 0, 3, 1, 0, 1 1 विकेट, फिर कोई विकेट नहीं, फिर 1 विकेट मिला इनको। लियम पुलिंकेट नॉट प्लेड 3 और 1 यानी नहीं खेले थे, फिर 3 विकेट मिला और पिछले मैच में इनको 1 विकेट मिला लियम पुलिंकेट को। आदिल राशिद 0, 0, 1 यानी कोई विकेट नहीं मिला, पिछले मैच में 1 विकेट मिला था, उससे पहले वाले 2 मैच में कोई विकेट नहीं मिला। तो ये थे इंग्लैंड के प्लेयर जो पिछले 3 मैचों से परफॉर्म करते आ रहे। तो इनको अगर आप अपने ड्रीम 11 की टीम में रखना चाह रहे हो तो रख सकते हो। वैसे इनमें से कुछ प्लेयर मैंने अपने ड्रीम 11 की टीम में रखे हो तो मैं दिखाई दूंगा। उसके बाद बात करते हो ऑस्ट्रेलियन का, जो ऑस्ट्रेलिया का जो पिछला प्लेइंग 11 था, तो आप देख सकते हैं एरन फिंच थे, डेविड वार्नर, उस्मान ख्वाजा, स्टीव स्मिथ, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस टॉनिक्स, एलेक्स कैरी, पैट कमिंग्स, नथन लायन, मिसेस स्टार्क और जेसन बैरनड्रॉप। तो ये था आपको आपका पिछला प्लेइंग 11 ऑस्ट्रेलिया वालों का। इसके बाद बात करते हैं पिछले 3 मैचों से जिन बैट्समैन ने स्कोर किया नहीं, रन बनाए। एरन फिंच 108, 3 यानी 108 और पिछले मैच में 3 बनाए। डेविड वार्नर 53, 16 और 122 53, 16 और पिछले मैच में 122 बनाए। एलेक्स कैरी 38, 71, 85 यानी 38, 71 और पिछले मैच में 85 बनाए। स्टीव स्मिथ 38, 5 और 7 यानी 38, 5 और पिछले मैच में 7 रन बनाए। उस्मान ख्वाजा 23, 88 और 18 यानी 23, 88 और पिछले मैच में 18 बनाए। तो ये था ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन जो पिछले 3 मैचों से स्कोर किए। अब बात करते हैं बॉलर की, तो अब देख सकते हैं जेसन बैरनड्रॉप 5, 2 और 1 यानी 5, 2 और पिछले मैच में 1 विकेट मिला। मिसेल स्टार्क 4, 5, 2 यानी 4 विकेट, फिर 5 और पिछले मैच में 2 विकेट मिला। मार्कस टॉनिक्स 1, 0, 0 यानी पिछले 2 मैचों में कोई विकेट नहीं मिला, उससे पहले वाले मैचों में 1 विकेट मिला था इनको। पैट कमिंग्स 0, 1, 1 यानी कोई विकेट नहीं, फिर 1 विकेट और पिछले मैच में भी 1 विकेट लिए। नथन लायन 0, 1, 2 यानी पिछले मैच में 2 विकेट, उससे पहले मैच में 1 विकेट और उससे पहले मैच में 1 विकेट नहीं मिला। स्टीव स्मिथ नॉट बॉल 1, 0 यानी पिछले मैच में कोई विकेट नहीं, उससे पहले वाले मैच में 1 विकेट और उससे पहले वाले मैच में बॉलिंग नहीं कराए थे। तो ये था आपको टोटल ऑस्ट्रेलिया का जो पिछले 3 मैचों से परफॉर्म करते आ रहे प्लेयर के परफॉर्मेंस। तो इनको अगर आप ड्रीम 11 की टीम में रखना चाह रहे हो तो रख सकते हो। अब बात करेंगे जो ड्रीम 11 की टीम मैंने बनाई और टीम मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो उस टीम में हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे हम विकेट कीपर की।
तो विकेट कीपर में बता दूँ, आप देख सकते हो मैंने जॉस बटलर को अपनी टीम में रखा है। आप चाहो तो एलेक्स कैरी को भी रख सकते हो। पीटर हैंडसकम के खेलने के चांसेस नहीं है तो आप इनको ना ले तो ही अच्छा होगा, या फिर आप दोनों विकेट कीपर के साथ जा सकते हो या फिर किसी एक विकेट कीपर के साथ भी जा सकते हो। मैं जॉस बटलर के साथ जा रहा हूँ, आप चाहो तो एलेक्स कैरी को भी ले सकते हो। तो देख लीजिएगा आपको किन के साथ जाना। आप अगर मेरे से सेटिस्फाई और मेरे साथ जाना चाहते हो तो जॉस बटलर को लीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं बैट्समैन की। तो मैंने अपने टीम में चार बैट्समैन रखे हैं। डेविड वार्नर को रखा है, जॉय रूट को रखा है, जेसन रॉय को रखा है, उस्मान खाजा को रखा है। इसके अलावा एरन पेस को आप ले सकते हो, जॉनी बेरस्टो को ले सकते हो, स्टीव स्मिथ को ले सकते हो, इयान मॉर्गन को ले सकते हो। तो कुछ ऑप्शन आपका और बचता है, उनमें से भी ट्राई कर सकते हो, या फिर जो चार बैट्समैन मैंने लगे इन चारों के साथ भी आप जा सकते हो। तो देख लीजिएगा आपको जो बाकी के ऑप्शन है उनमें से ट्राई करना है, या फिर जो चार बैट्समैन मैंने लगे इन चारों के साथ जाना है। अगर आप इन चारों से सेटिस्फाई तो इन चारों के साथ ही जाइएगा, और मेरे साथ जाना चाहते हैं तो जो चार बैट्समैन मैंने लो डेविड वार्नर, जॉय रूट, जेसन रॉय और उस्मान ख्वाजा। इसके बाद बात करते हैं ऑलराउंडर की, तो मैंने बेन स्टोक को लिया और मार्कस स्टोनिस को लिया। इसके अलावा एकमात्र ऑप्शन आपका ग्लेन मैक्सवेल का ही है। मोइन अली पिछले मैचों में नहीं खेले थे तो आप इनको ना ले तो ही अच्छा होगा, और अगर लाइनअप आने के बाद मोइन अली खेलते तभी इनको ले सकते हैं आप। आदिल रशीद की जगह आपको तो मोइन अली के खेलने के चांसेस है, तो आप आदिल रशीद की जगह मोइन अली को अगर इंग्लैंड की टीम खिलाती है तो मोइन अली को आप ले सकते हो। नहीं तो आप लाइनअप आने के बाद अगर मोइन अली नहीं खेलते तो ना ही ले इनको, शायद आज भी नहीं खेले। तो देख लीजिएगा अगर खेलते हो लाइनअप आने के बाद आदिल रशीद का तब इनको ले लीजिएगा, या फिर जो दो ऑप्शन मैंने दिया है बेन स्टोक और मार्कस स्टोनिस, जो दोनों मैंने अपनी टीम में रखे हैं इन दोनों के साथ ही जाइएगा, इन दोनों से अगर आप सेटिस्फाई हो। इसके बाद बात करते हैं बॉलिंग की, तो बॉलिंग में मैंने चार बॉलर अपनी टीम में रखा है। मिशेल स्टार्क को लिया, क्रिस बॉक्स के लिया, मार्क वुड को लिया है, और जो चौथा बॉलर मैंने लिया बहन ड्रॉप को लिया मैंने बहन ड्रॉप को लिया। तो चार बॉलर मैंने अपनी टीम रखा है। इसके अलावा जोफ्रा आर्चर को ले सकते हो, पैट कमिंग्स आपका ऑप्शन है, आदिल राशिद को ले सकते हो, लियाम पुलिंकेट आप ले सकते हो। इसके अलावा और ऑप्शन नहीं है, तो ये कुछ ऑप्शन आपके और बचते हैं जो चार बॉलर मैंने लिया। उसके अलावा तो जो चार बॉलर मैंने लिया, अगर आप इनसे सेटिस्फाई तो इन्हीं के साथ जाइएगा, अगर इनसे सेटिस्फाई नहीं तो बाकी के ऑप्शन में से आप ट्राई कर सकते हैं। जो चार बॉलर मैंने लिया, मिशेल स्टार्क एक बार फिर से बता दूँ, क्रिस बॉक्स, मार्क वुड और बेन ड्रॉप है। इसके अलावा बात करते हैं अब टीम प्रीव्यू और कैप्टन वाइस कैप्टन की। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जॉय रूट को कैप्टन बनाया, इस्मान ख्वाजा को वाइस कैप्टन बनाया। इसके अलावा डेविड वार्नर को बना सकते हो, बहुत अच्छे फॉर्म में, बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। जेसन रॉय हो गए, जॉस बटलर हो गए, बेन स्टोक हो गए, तो ये सारे बहुत अच्छे प्लेयर हैं, इनको बना सकते हो कैप्टन वाइस कैप्टन। और बॉलर में से बनाना चाहिए तो मिशेल स्टार्क हो गए। इसके अलावा आप क्रिस बॉक्स हो गए, इनको भी बना सकते हो कैप्टन वाइस कैप्टन अगर आप बॉलर में से बनाना चाहते हो, ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो। और अगर आप बैट्समैन में से बना सकते हो, जेसन रॉय, डेविड वार्नर भी बहुत अच्छे ऑप्शन है, इनको भी आप बना सकते हो, या फिर जो दो ऑप्शन मैंने दिए अगर आप इनसे सेटिस्फाई और मेरे साथ जाना चाहते हो तो इन्हीं को बना दीजिएगा, जॉय रूट और उस्मान ख्वाजा को। तो इसके बाद एक बार टीम पूरी देख लीजिएगा, अगर आप इस टीम से सेटिस्फाई तभी इस टीम के साथ जाएगा, अगर आप इस टीम से सेटिस्फाई तो बेशक इनमें से जो लगता है कि परफॉर्म नहीं करेगा तो उनको बेशक चेंज करके जो आपको लगता है जो परफॉर्म करेगा उनको बेशक अपनी टीम में रख सकते हैं। और लास्ट में एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, नोटिफिकेशन मिलते वीडियो को देख करके ड्रीम11 की टीम बना सके। तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, आप लोगों को पता ही है। नीचे जो रेड कलर का बटन है उसके ऊपर आपको प्रेस ही करना होता है, उसके ऊपर प्रेस कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। एंड वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंडों में शेयर जरूर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए ड्रीम11 टीम बनाने में, एंड हमारी भी हेल्प हो जाए, हमारा चैनल थोड़ा प्रमोट हो जाएगा। तो प्लीज़ यार वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिए, और इतने रिक्वेस्ट करता आई होप आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया होगा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलता है अगले वीडियो में, जय हिंद।